उत्तर भारत में कुदरत का प्रहार लगातार जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब हजारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है और कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट अभी भी जारी है। 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और साथ ही 21 तारीख तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। कल कुल्लू में बादल फटने से एक मौत हो गई थी। अब ऐसे में प्रकृति अगर और रौद्र रूप में आई तो हिमाचल प्रदेश को एक बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। प्रदीप ठाकुर शिमला से ब्यूरो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी। देखिए, आने वाले दिनों में मॉनसून सक्रिय रहेगा हिमाचल प्रदेश में और बारिश भी लगातार कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये है कि जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन भारी बारिश का अलर्ट हमने रखा है, येलो अलर्ट जो है अगले 5 दिन रखा हुआ है। और कुल मिला के अभी जुलाई का नेक्स्ट वीक और लास्ट वीक, इसमें मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। बारिश बंद नहीं होगी, लेकिन यह है कि इंटेंसिटी जैसे बहुत तेज़ बारिश और बहुत टोरेंशियल रेन, इस तरह की संभावना काफ़ी कम है। और इसके चलते जो भी, क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लैंडस्लाइड की, फ्लैश फ्लड्स की और क्लाउड बर्स्ट की, क्योंकि ऑलरेडी बारिशें बहुत हो चुकी हैं। 90% जो है रेनफॉल ज़्यादा है अभी 1 जून से, अगर अब तक की बारिश हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो उससे ऑलरेडी काफ़ी सेचुरेशन हो चुकी है सॉइल में, तो थोड़ी बारिश से भी डेब्री और ये सारी चीज़ें मूव हो जाती हैं, तो बिल्कुल संभावना है, प्रबल संभावना है लैंडस्लाइड्स की सड़कों के ऊपर। तो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप, देखिए 7 जिलों में अभी भी भारी बारिश की जो आशंका है लगातार बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में अभी फिलहाल बात करें तो 4600 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हो चुका है। ऐसे में अगर और बारिश होती है तो हिमाचल प्रदेश की मुश्किलें आने वाले समय में अपने आसमान स्तर पर होंगी। बिल्कुल, देखिए दिखते हैं अभी भी जो है लगातार हैं, और इसमें जो मौसम विभाग का भी अलर्ट है उसमें 6 जिले संवेदनशील हैं और यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें शिमला भी है, कुल्लू मंडी और सिरमौर के साथ साथ सोलन और बिलासपुर और कांगड़ा, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश जो है वो ज्यादा हो सकती है। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और जिस तरह से मॉनसून फिर से एक्टिव हुआ है और बीच बीच में बारिश भी हो रही है, शिमला की बात करें, हालांकि आज सुबह से शिमला में कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन बादल छाए हैं, धुंध यहाँ पर बनी हुई है और इसके साथ साथ बाकी जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र हैं वहां पर भी कुछ इसी तरह का मौसम है। लेकिन मौसम विभाग का यही मानना है कि अभी भी बारिश हो सकती है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को कहा गया है कि जब भी ऐसे मौसम खराब हो तो आप जो है अपने जो घरों से बाहर ना जाएं, नदी नालों के किनारे ना जाएं, या बाढ़ जहां पर आ सकती है, बादल फट सकता है, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं तो उस तरफ आप ना जाएं, तो ये खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि मॉनसून सीजन अभी शुरुआती हम कह सकते हैं कि इसका दौर चल रहा है, अभी सितंबर तक जो है मॉनसून चला जाता है, तो ये ठीक है। प्रदीप ठाकुर बने रहिएगा हमारे साथ।